हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो? रो रहो? मैंने कहता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे और भाई को भी दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों ये 705 वाला रिसीवर आया है मेरे पास रिपेयर होने के लिए। इसमें जो फॉल्ट है वो भाइयों से शेयर करता चलूँ। दोस्तों इसमें सर्चिंग करके सेव करो, उसके बाद जो चैनल सेव नहीं होते वापसी यहाँ पर मेन्यू आके रुक जाता है। तो आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूँ और फिर सर्च करके सेव करते हैं, देखते चैनल सेव होते हैं या नहीं होते। वीडियो पे रहना। ये तो दोस्तों अभी इसमें सर्च कर रहा हूँ। इसमें जो फॉल्ट सिग्नल वाली पट्टी भी शो नहीं कर रहा है और NLB की पिन तार मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है, ठीक है। तो अभी आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, ये चैनल सर्च हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो NLB ना क्वालिटी की दोनों पट्टी नहीं हो रही है और ये पट्टी सर्च हो रही है। जैसे सर्चिंग होती है इसमें चैनल वगैरह सारे आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें TP आ रही है, ये इसके चैनल आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक देखो इसमें सिग्नल क्वालिटी और क्या बोलते हैं NLB की पट्टी दोनों नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसमें चैनल सर्च हो रहे हैं बिल्कुल। तो ये चैनल मुकम्मल होते हैं, सेव करो तो सेव भी हो जाते हैं। ये तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ, तो सर्चिंग में थोड़ा 5-10 मिनट लग जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ, ताकि ये चैनल जब एंड में हो जाए सर्चिंग तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये चैनल इसकी में ऑलरेडी सारे आ रहे हैं। ये तो दोस्तों अभी सर्चिंग इसकी एंड होने वाली है, तो अभी सर्चिंग चैनल पूरे आ जाते हैं। देखो इसको क्वालिटी अभी तक नहीं आई, ना ही NLB की तार है। अभी देखो चैनल आपके सामने मैं इस रिमोट से सेव कर रहा हूँ, ये सेव होगा, ठीक है। अभी इसको कर रहा हूँ बैक, चैनल आ गए दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों चैनल आ गए। अभी इसकी मैं सप्लाई बंद कर रहा हूँ, ये सप्लाई, ठीक है, मैंने सप्लाई बंद कर दी। अभी इसको कर रहा हूँ ऑन, ये मैंने ऑन कर दिया रिसीवर, ठीक है। रिसीवर जो हो गया बिल्कुल चालू। दोस्तों ये चालू हो गया, देखो चालू हो रहा है। अभी ये रिसीवर ऑन हो रहा है। इसमें जो मसला आ रहा है वो भाइयों से शेयर करता हूँ, अगर ऐसा कोई फॉल्ट आपके पास आए तो आप इजी तरीके से उसे सेव कर सको, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये देखो मैंने चैनल सेव किए थे, वो चैनल सारे चले गए। इसमें ये आ रहा है, इसमें जो प्रोग्राम का फॉल्ट है, ठीक है दोस्तों, इसको आप प्रोग्राम का फॉल्ट है। अगर ये ऐसा कोई फॉल्ट आपके पास आ जाए तो आप दो तरीके से मैं आप भाइयों को बताता हूँ। ये सबसे पहले अपन को दोस्तों मेन्यू दबाना है, ठीक है। मेन्यू दबा के फैक्ट्री रीसेट करना है, फैक्ट्री रीसेट करके ओके करना है इसको, चार मरतबा ज़ीरो दबा के, ठीक है, उसको ओके करना है। रीसेट मार के देखेंगे, अगर रीसेट से अपना मसला हल होता है तो ठीक है, अगर नहीं मसला हल होता है तो अपन सॉफ्टवेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर दो तरीके से हो सकते हैं दोस्तों, एक तो अपन सॉफ्टवेयर ये USB के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर USB के थ्रू ना हो तो फिर आप डिवाइस से भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको रीस्टोर मारा है, तो एक मरतबा मैं आपको रिसर्च करके चेक कराता हूँ, अगर रीसेट मारने से अपना मसला हल हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉफ्टवेयर का तरीका भाइयों को बताता हूँ। ये तो दोस्तों मेन्यू से मैंने रीसेट मारा, उसके बाद मैंने सर्च किया, उसके बाद बंद करके चालू किया, फिर भी चैनल चले गए। तो इसमें मसला सॉफ्टवेयर का है, तो सॉफ्टवेयर अपन ढूंढेंगे कैसे और लगाएंगे कैसे, ये दोनों तरीके से भाइयों को बताता हूँ। ये तो दोस्तों GX605S5815 version 1.4.1, ठीक है दोस्तों। ये गूगल पे अपन लिखेंगे ये वाला वर्जन, तो अपना सॉफ्टवेयर अपने गूगल पे लिखेंगे तो सॉफ्टवेयर आ जाएगा, वो डाउनलोड करके अपन USB से कर सकते हैं और कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी मैं आप दोस्तों को कंप्यूटर के थ्रू करके चेक करा रहा हूँ। जी तो दोस्तों ये कंप्यूटर से करने के लिए अपन को IC ओपन करनी होगी। सबसे पहले रिसीवर को कर लेंगे पावर ऑफ, मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो IC अपन बाहर निकालेंगे।
जाएगा। सो इस तरह अच्छी तरीके से रीसोल्ड करके इसको ऐसे निकालना ताकि इसके प्रिंट वगैरह ख़राब ना हो। जैसे दोस्तों मैं सूफी SP8 से प्रोग्राम करता हूँ, तो अभी ये ICS डिवाइस में लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका निशान ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये निशान का ध्यान रखना। ये मैंने IC लगा ली, तो ये अभी लैपटॉप से मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी आप पूरे लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलते हैं। ये तो दोस्तों इसका ये वाला प्रोग्रामर पड़ा हुआ है जो इस सूफी 8 को ऑपरेट करता है। इसको मैंने प्रोग्राम को खोल लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोग्राम मैंने खोल लिया, तो अभी अपन ने सिर्फ यहाँ से डिवाइस कनेक्ट करेंगे, ये ऑटो पे आ जाएंगे। ऑटो से यहाँ पे ऑटो सर्च करेंगे तो IC अपनी डिटेक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑटो पे अपने सर्च करेंगे, IC अपनी डिटेक्ट करेगा, इसमें से कोई भी नंबर एक से चॉइस करके उठा लेंगे। तो ये मैंने नंबर चॉइस करके उठाया, तो अभी यहाँ पर जाएँगे अपन ऑटो पर, ऑटो पे जाएंगे, अभी लोडिंग भी जाएंगे। ठीक है, रोड पे तो अपन जिसमें अपना सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, मतलब मेरे वाले ऑलरेडी ये पड़े हुए हैं, तो उस जाएंगे उस फोल्डर में। तो अपन जो सॉफ्टवेयर करना है, ये पड़ा हुआ है मेरे पास GX, ठीक है, 6605815 वर्जन है 4.1 डार्क मेन्यू। ठीक है दोस्तों, ये मैं अभी उठा रहा हूँ, ये मैंने उठा लिया। अभी मैं यहाँ से कर लूँगा ऑटो करूँगा जैसे, तो ये दोस्तों इरेज कर रहा है अभी, ये खुद ब खुद ऑटो है, ऑटो इरेज भी करेगा। अभी ठीक है, बिल्डिंग चेकिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी प्रोग्राम कर रहा है, जैसे ये प्रोग्राम कर रहे सक्सेसफुल खुद बता देगा। बस IC निकाल के अपन इस रिसीवर में लगाएंगे, फिर अपना काम हो जाएगा रेडी, रिसीवर का अपना बन जाएगा बिल्कुल ओके। ठीक है दोस्तों, अभी वेरीफाई कर रहा है, अभी वेरीफाई किया, इसका काम ख़त्म, सॉफ्टवेयर IC में सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो प्रोग्राम IC अपन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रोग्राम अपना USB के थ्रू भी कर सकते थे। USB के थ्रू मैंने इस वजह से नहीं किया, तो इसमें जो पोर्टें थी इसकी, जो USB या रिपोर्ट वो रंग लगा पड़ा है, ये काम नहीं कर रही थी, इस वजह से मैंने USB से नहीं करके चेक किया, तो मैंने डिवाइस से किया। अगर आपके पास कोई रिसीवर आपके पास रिपेयर होने के लिए है, या आप खुद का रिपेयर करना चाह रहे हो, ऐसा कोई फॉल्ट आपके पास आ गया है, तो आप उसको USB के थ्रू भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वही तरीका है, सिर्फ नेट से अपन को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, फिर USB में लगा के सॉफ्टवेयर में जाके अपडेट कर सकते हो चालू रिसीवर को। ठीक है दोस्तों, अगर फुल रिसीवर बंद है, बिल्कुल डेड हो गया है, तो उसको तो प्रोग्राम से ही कंप्यूटर से भी करना पड़ेगा। अगर ये आपका चालू है, जैसे ये चालू था, सिर्फ इसमें चैनल का फॉल्ट था, तो ऐसा आप USB के थ्रू भी कर सकते हो। अभी इसको करते हैं चालू। ये तो दोस्तों, इसमें सॉफ्टवेयर मैंने कर दिया है, इसमें मैंने सॉफ्टवेयर कर दिया है, इसमें पहले जो चैनल पड़े थे मैंने डिलीट कर दिए। ठीक है दोस्तों, अभी बिल्कुल खाली है, तो अभी आपके सामने मैं इसको कर रहा हूँ सर्च। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखो इसमें ये क्वालिटी, जो NLP की पट्टी बता रहा है, NLP की जो पट्टी बता रहा है वो भी नहीं आ रही थी, और इसका मेन्यू भी चेंज हो गया है, बेहतरीन मेन्यू हो गया। तो अभी करता हूँ सर्च। ठीक है, सर्च करके आप दोस्तों को बंद करके चालू कुछ करा के चेक कराता हूँ, इसमें चैनल से होते हैं या नहीं होते हैं, या अपना मसला हल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें सर्च हो ले, फिर आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें चैनल से हो रहे हैं, इसमें जो NLV की क्वालिटी भी बता रहा है, सिग्नल जो आ रहे हैं वो उसकी क्वालिटी भी बता रहा है, पहले कुछ नहीं बता रहा था। तो इसमें सॉफ्टवेयर का ही फॉल्ट था, सॉफ्टवेयर मैंने इसमें किया है लैपटॉप से, इसकी USB की पोर्ट ख़राब थी, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, सिग्नल क्वालिटी देखो आ रही है। ठीक है दोस्तों, चैनल इसके मुकम्मल हो गए, तो अभी इसको कर रहा हूँ सेव, ये हो गए सेव। अभी आप दोस्तों को चला के चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके ये चैनल चला के चेक कराता हूँ, वही
दोस्तों, तो इसके चैनल हो गए बिल्कुल सेव। इसमें ठीक है, तो अभी आपके सामने इसको करते हैं बंद, अभी करते हैं इसको चालू। फिर दोस्तों, तो पहले इसमें चैनल नहीं आ रहे थे, चैनल बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अभी चैनल सेव हो गए पड़े हैं, और पहले चैनल चले जाते थे, अभी जो चैनल नहीं जा रहे। ठीक है दोस्तों, रिसीवर हो गया बिल्कुल रेडी। उम्मीद है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और दोस्तों शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में रखना, अल्लाह हाफिज़।